दोस्तों, और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मैं इडली किस तरीके से भिगोती हूँ। पूरा डिटेल में अच्छे से बताऊंगी, कोशिश करूंगी कि किस तरीके से बैटर को भिगोया जाता है ताकि हमारी इडली एकदम रुई जैसी सॉफ्ट बने, तो एकदम साउथ इंडियन जैसी। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरी वीडियो, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन आती है तो उसको भी दबा दीजिएगा। और आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी वीडियो पर। और बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ काफ़ी मेरे चैनल पे नए नए सब्सक्राइबर में जुड़ रहे हैं और मेरी वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, तो थैंक यू उन सबको। तो चलिए मैं वीडियो दिखाती हूँ आप लोगों को, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 गिलास दाल ली है, उड़द की दाल है धुली हुई, और ये मेरे पास सेला चावल है। तो सेला चावल 1 गिलास लिया है मैंने, और नॉर्मल चावल जो हम घर में बनाते हैं, मोटा चावल चाहे जैसा भी हो, फिर दूसरा चावल, तो ये दूसरा चावल है। मेरे पास 2 गिलास चावल, 1 गिलास दाल है, तो इसको मैं अच्छे से धुल लूँगी। और धुलने के बाद मैं इसे एक पूरी रात के लिए, मैं ओवरनाइट पूरा इसको भीगने के लिए छोड़ दूँगी, और ताकि ये मेरा अच्छे से, और ये देखिए फिर मेरा, मैंने अगले दिन ये इसको धुला है तो ये मेरा फूल गया है अच्छे से। तो मैंने इसको फिर से धुल के, तो फिर मैंने इसे धुलकर अच्छे से दूसरे पानी से धुला है, और साफ़ पानी से। और मैं इसको मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल के इसको अच्छे से पीस लूँगी। इसका बहुत अच्छा पेस्ट बनाना है हमको, थोड़ा इडली के लिए हल्का सा मोटा भी चल जाएगा, डोसे के लिए एकदम बारीक होना चाहिए, लेकिन इडली के लिए, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके का हमको बैटर चाहिए। तो अब मैं इसको पतीले में पलट लूँगी, और बाकी सब भी इसी तरीके से पीस लूँगी। और फिर मैं इसको फिर से मैं ओवरनाइट के लिए ही ढक के रख दूँगी, और आप चाहे तो इसे 7-8 घंटे के लिए, अगर गर्मी पड़ रही है तो रख दीजिए तो भी ये फूल जाएगा, नहीं तो आप गर्म जगह पे रख दीजिए ताकि ये हमारा थोड़ा खमीर उठने के लिए रख दीजिए। और फिर ये मेरा देखिए, अगले मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था क्योंकि यहाँ ज़्यादा अंदर ठंडा है तो गर्मी नहीं है, तो ओवरनाइट मेरा रहा है तो ये अच्छे से फूल गया है मेरा बैटर। और फिर मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, और देखिए कितना बढ़िया फूला है मेरा बैटर, फ्लफी है कितना बढ़िया। और फिर मैं यहाँ पे इडली के सांचे में मैंने ऑयल लगा लिया है अच्छे से, सुग्रीस कर लूँगी, और फिर मैं अपने एक एक कलछी की मदद से सब भी बैटर को मैं अच्छे से सब में डाल दूँगी सांचे में। तो मैंने इस तरीके से डाल दिया है, और फिर मैं ये कुकर में मैंने पानी डाल दिया है, 1 गिलास तक पानी डाला है। और फिर मैं ये सांचे को इसके अंदर डाल के गैस पे चढ़ा दूँगी, और गैस पे मैं एकदम स्लो आंच पे ही रखूँगी इसको, 20 मिनट तक मैं इसको चढ़ा के रखूँगी, और 20 मिनट बाद स्लो आंच पे ही रखना है हमें। मेरा ये इडली बन के फिर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मेरी इडली बन के तैयार है, और इसको मैंने ठंडा होने के बाद निकाला है। तो देखिए कितनी बढ़िया एकदम फूली इडली निकली है ना, बाजार जैसी एकदम सॉफ्ट। तो मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी किस तरीके से बढ़िया है ये। ये देखिए कितनी बढ़िया रुई जैसी सॉफ्ट है। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए और खाइए, सबको खिलाइए, और बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपने।